हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल दादा, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास रीकनेक्ट का इन्वर्टर है इसी और उसमें E3 करके एरर शो हो रहा है तो E3 एरर क्यों आता है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजर रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे रीकनेक्ट इन्वर्टर एसी में अगर E3 करके एरर शो हो रहा है तो वो एरर है गाइस आपका इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर का वो फॉल्ट है। तो इसको आप करना यह है कि आप अपने इंडोर यूनिट के पास जाएंगे और इंडोर की कॉइल में एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हो सकता है इसके वायर को चूहे ने ब्रेक कर दिया है, अगर चूहे ने वायर को ब्रेक किया है तो आप इसको रिपेयर करके चला सकते हैं, अगर वायर जुड़ने लायक है तो आप इसको रिपेयर करके चला सकते हैं तो ये एरर पूरी तरीके से हट जाएगा। अगर चूहे ने वायर को ब्रेक नहीं किया है तो आप पीसीबी से इंडोर के कनेक्टर को निकाल के फिर से लगाइए सेंसर वाले कनेक्टर को, तो ये एरर उससे भी हट जाएगा। और उसके बावजूद भी एरर नहीं हट रहा है तो आपको कॉइल टेम्परेचर सेंसर बदलना होगा। कॉइल टेम्परेचर सेंसर बदलने के बाद ये E3 वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।